राहुल गांधी बोले, नोटबंदी की एकमात्र सफलता भारत की अर्थव्यवस्था का डूबना है। शेखपुर निवासी शंभू शरण पटेल को भाजपा ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, लगा बधाइयों का तांता। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने गुजरात में दंगे कराए, मोदी के सीएम बनने से पहले आए दिन लगा रहता था कर्फ्यू। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से आज संवाद करेंगे पीएम मोदी, पटना के 9 बच्चे होंगे शामिल। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह पर कसा शिकंजा, पुलिस ने जब्त की 100 करोड़ की संपत्ति। यूपी में बिजली विभाग के दावे हुए फेल, स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का मामला आया सामने। चार वर्षों से इस गांव ने नहीं भरा बिजली का बिल, 8 थानों की पुलिस को साथ लेकर की गई वसूली। अशोक गहलोत बोले, मन की बात में देश की शांति की अपील करें पीएम मोदी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एमएलसी नौशाद अली को सौंपी बेस्ट यूपी की कमान, शमशुद्दीन को हटाया। आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे जयंत चौधरी, आलोद और सपा के संयुक्त उम्मीदवार होंगे आरएलडी अध्यक्ष। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।